इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन आई थिंक, बट उनको ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए था, उनको डॉक्टर से पूछना चाहिए था ये सब पोस्ट करने से पहले कि भाई जो भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं या हमारी कंपनी पे आरोप लगाए हैं उसके बारे में उनको पहले समझना चाहिए था। क्योंकि देखिए वेंटिलेटर एक बहुत ही टेक्निकल इशू है, और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉबी की, बिल्कुल है एक लॉबी। बिकॉज आप मुझे बताइए कि क्या इंटरनेशनल वेंडर्स को ये बात पसंद आएगी कि एक 10 गुना ज़्यादा सस्ता वेंटिलेटर मार्केट में जाके वही काम करे, तो उनका वेंटिलेटर खरीदेगा कौन? कुछ एम्प्लॉयज़ ने, कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ ने, ये जिनको ये बात पता नहीं थी, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने बोला भाई ऐसा ऐसा किया 85% था, 100% पहुंच गया। भाई वो तो एक नॉर्मल कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है। अब राहुल गांधी जी को शायद ये बात पता नहीं होगी क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने उसे रीट्वीट कर दिया, बट इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि भाई कैलिब्रेशन का प्रोसीजर होता क्या है, कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। तो इसके अंदर कोई भी घपला नहीं है। और देखिए ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, एक वेंटिलेटर लीजिए 1.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर, या किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ पे हमारा वेंटिलेटर है, लगाइए एक सेंसर और वेरीफाई कर लीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। इसको साबित करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। और जहाँ तक हम मिनिस्ट्री को जो भी वेंटिलेटर दे रहे हैं, 100% वेंटिलेटर का प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है, उसके अंदर हम 100% ऑक्सीजन उनको दिखाते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है।